सुनिए जरा जरा, ये चीफ सेक्रेटरी साहब सुभानी जी को बुलाइए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। जनता के दरबार में, मुख्यमंत्री कार्यक्रम में जब वो फरियादियों से मिलते हैं, बिहार के लोग जो हर ज़िले से आ रहे हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं, ऐसे में जब आरोप लगते हैं कि अफसर बिहार में लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये भी पता है कि अफसरों को कैसे सुनवाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है कि सच्चाई क्या है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जब मामला निकल के आया ज़मीन अधिग्रहण का, एक व्यक्ति ने शिकायत कर दी कि मुख्यमंत्री जी, मेरी ज़मीन सड़क में चली गई, मुझे पैसे मिलने चाहिए थे लेकिन पैसे मिले नहीं। उसके बाद क्या था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, बिहार के जो वरीय पदाधिकारी हैं उन्हें बुलाया और कहा कि देखिए, एक घंटे में ही कई मामले निकल के आए हैं, क्या ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्या? क्या कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं, फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। लोक शिकायत निवारण कानून का फैसला हो गया और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, आप ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड निकलवाइए, क्योंकि तीन स्टेज पर जाना है, तो किसी स्टेज पर किस तरह से हुआ इसको देख लेना बहुत जरूरी है, समझिए ना, हर चीज को पूरे तौर पर निकाल करके देख लीजिए कितना पेंडिंग। अभी हम दो बार समीक्षा किए थे तो उसमें तो कोई बात कहा नहीं गया था, अब जब हम शुरू किए हैं जनता के दरबार वाला कार्यक्रम तब ना आ रहा है, वही कह रहा है कि लोक शिकायत निवारण कानून का फैसला हो गया और उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो कैसे नहीं एग्जीक्यूशन हुआ भाई, तो एक्शन का प्रोविजन है, सब कुछ किया हुआ है कानून, इस सब चीज को देखना बहुत जरूरी है, इसलिए इसके बारे में समूचा के पूरा का पूरा समीक्षा करवाइए और कंसर्न सभी डिपार्टमेंट के लोगों से ले लीजिए, कहां पर इसका सॉल्यूशन होना था नहीं हुआ, मैंने पूरा का पूरा फिगर मांगी है, लोक शिकायत का जो फैसला दिया गया उसका क्या स्थिति है, एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं एग्जीक्यूट हुआ, किस कारण से पेंडिंग है, किसने नहीं किया, ये पूरा चीज को देख लीजिए, क्योंकि सब चीज तो आपका वो मौजूद है ना, उसमें देर क्या लगेगा, तुरंत पता चलेगा क्या फैसला हुआ है, ये कुछ नहीं। अब देखिए, अब यहाँ आकर के लोग बता रहे हैं, ये तो हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि लोक शिकायत वाला कहीं पेंडिंग रहेगा, क्यों पेंडिंग, आई पिछला जो मीटिंग हुई थी उसमें तो ऐसी कोई बात आई नहीं थी, तो अब तो बात आ रही है ना, जिसको तो देखना पड़ेगा ना, बहुत जरूरी है, ठीक है उसको तत्काल कर लीजिए आप और चीफ सेक्रेटरी और सब लोग मिलकर के बात कर लीजिए, उसके बारे में इसका ले लीजिए और एक दिन उसका टाइम रखिए, हम पूरे का सुनना चाहेंगे कि लोग शिकायत का क्या बोलते हैं, कहाँ का पेंडिंग है इशू, और कंसर्न सारे लोगों से एक बार पूरी की पूरी जानकारी ली जाए कि भाई क्यों पेंडिंग और क्यों नहीं इसका एग्जीक्यूशन हो रहा, देखिए उसको। बोला जाए, हमारा जमीन इकट्ठा लिए थे, क्या हुआ, जमीन खिलाड़ी में इकट्ठा जमीन लिए थे सर, आप जमीन खरीदे थे, अच्छा तो क्या औरत के नाम से है, औरत के नाम से थोड़ा सा जमीन चला गया भूअर्जन रूट में चला गया नेस्टू में, अच्छा उसके बाद में नेस्टू में गया तो हम भूअर्जन यहाँ सप्लाई किए, हमको पैसा मिलना चाहिए, भूअर्जन पदाधिकारी नहीं सुने तो हम लोग शिकायत में गए, लोग शिकायत से आदेश हुआ कि भुगतान किया जाए, अनुपालन आज तक नहीं किया गया और शेष जमीन हमारे सामने, मैंने हमको धमकाया गया, लोग जरा देख लीजिए ए सुनिए जरा, इधर आइए चीफ सेक्रेटरी साहब, इधर आइए बुलाइए जरा उनको भी, अरे नहीं नहीं राजस्व को ही नहीं, अरे इनको बुलाइए, राजस्व नहीं, अरे इनको बुलाइए ना, गृह विभाग को बुलाइए, गृह विभाग बुलाइए, अरे गृह नहीं भाई, अरे इनको बुलाइए ना, नहीं नहीं सुभानी जी को बुलाइए, अभी तो हम इनको बताएं, लेकिन देखिए अगला केस भी आ गया, देखा जा रहा है कि लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत जो हम लोगों ने प्रावधान किया, आप निरंतर देख रहे थे होम ग्रुप ने, होम वाले कोई बुलाइए तो देखते ही नहीं, तो आप तो देखते थे इसमें, छोड़ दिए बैठे ही, तो आप सामान्य प्रशासन में छोड़ छोड़े बैठे छोड़ दीजिए, आप बैठिए बैठे बैठे, तो अब जो देखा गया है कि लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत जो फैसला दे दिया उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता,
हम तो इनको कह दिए कि पूरे का देख लीजिए जी, किस चीज का फैसला आया और कौन एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको देखिएगा तब ना उसको एग्जीक्यूट करवाइएगा, क्यों रोकिए। आप बोलिए हम लोग जनता के दरबार के कार्यक्रम शुरू किए हैं, तब आकर के कह रहे हैं। हम देख लिए 5-7 लोग हमको मिल गए अभी, जो लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत एक फैसला हो गया उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। लोक शिकायत में यहाँ पर आदेश हो जा रहा है कि अंचल अधिकारी ने आके कह दिया कि हम अंचल अधिकारी को उसका कंप्लेंस करना है कि ना 5-7 इशू आया अभी तक आ गया, अभी अभी तो थोड़े ही लोगों से मिले हैं, इसी में आ गया। मैंने आप समझ लिया कि 1.25 घंटा के अंदर आ गया, तो और लोग हैं तो अभी और होगा होगा, नहीं तो जरा देख लीजिए। इसमें सर एक निर्णय हुआ था कि 60 दिन के अंदर निष्पादन हो गया, आदेश पारित हो गया, तो रिकॉर्ड बंद नहीं किया है उसको, फिर मॉनिटर यही हुआ है तो पहले से किया हुआ, लेकिन मॉनिटरिंग करना इसको देख लीजिए। जब ये हम लोग कार्यक्रम शुरू किया तभी ना पता चल रहा है कि भाई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, लोग अपना लेकर के जो उनकी जो समस्या है उसको लेकर के आ रहे हैं शिकायत के साथ, तो और देखना ना पड़ेगा कि उसमें कहीं कोई कमी है तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। सारे ऑर्डर की समीक्षा करके देख लीजिए, हम देखो इनको बताए, आप सब लोगों को बता दिए, एक बार बैठ करके हम देख लीजिए और सब जगह का मांगिए, और एक दिन हम भी जरा सुनना चाहेंगे ताकि क्या होगा, और सब इनका भी प्रॉब्लम कहीं आगे दे दिया लोक शिकायत वाले के सामने कह देता है उसका, तो देखना पड़ेगा। बता दें सर हमारे पास जैसे 40% जो सेकंड अपील आता है नॉन कम्प्लायंस के लिए नहीं हुआ है, तो इसीलिए वही देखना बहुत जरूरी है ना, क्या कि क्यों नहीं हुआ उसको एक बार देख लीजिए आप लोग बैठे। ठीक, कमिश्नर के आदेश के बावजूद भी ठीक है, आपको शुभारंभ किया करने के लिए टीचिंग भेजक के द्वारा दिया गया नहीं, ठीक का मामला है सर, ये भूमि माफी करवा के हटवाना चाहते हैं। हाँ ठीक है, तो राजस्व में दे दीजिए, अभी तो कह दिया ना। अरे आप ही लोगों की बात सुने हैं लोक शिकायत का, उसका समाधान नहीं हुआ तो हम सबको कह न दिया, इसको पूरे बिहार का देख लेगा राज्य में अगर नहीं मिलेगा करवाए हैं। अब आप समझ अर्जुन पदाधिकारी के सामने हमको गाली गलौज दिया, आप बता दीजिए, नहीं समझ बता दीजिए। तो इस वीडियो में आपने देखा है कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी और वरीय पदाधिकारी को बुलाकर ये बताया है कि सच्चाई क्या है, क्या लोक शिकायत निवारण कानून के तहत फैसला हो जाने के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, सिस्टम में क्या गड़बड़ी है, तमाम चीज़ों को देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त निर्देश दिए हैं। एक्शन में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है और लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में। बहरहाल आप लाइवस्ट्रीम से साथ बने रहें, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिखाया है कि कैसे फरियादियों की शिकायत सुनकर मुख्यमंत्री ने फैसला सुना दिया उसी वक्त और कहा कि जल्द से जल्द इसको दिखवाया जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद। सुनिए जरा, ये चीफ सेक्रेटरी साहब सुभानी जी को बुलाइए।